हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मंजोत्रा और आज हम एक मार्केटिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को, आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए वो है एक छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज द मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग क्या कहती है? मेगा मार्केटिंग, इट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ स्ट्रेटजीज टू री ओपन द क्लोज मार्केट्स एंड रूल ओवर स्ट्रांगली अगेन फॉर लॉन्गर पीरियड्स। होता क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ब्रांड्स है, बंद हो जाते हैं, ठीक है, फिर दोबारा वो क्या करते हैं, आते हैं और मार्केट में आते हैं और मार्केट में पूरी तरह से राज करते हैं, ठीक है, रूल करते हैं। अब ये कहानी अगर इसकी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखी जाए तो वो हमारे पास कौन सी आती है, दैट इज कोक कोला, कोका कोला। चित्र अमेरिकन ब्रांड कोका कोला, इसने क्या किया, अभी भी क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, ये पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड अपना राज कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ये कब आया, क्या कहानी थी, क्या कोला वार थी, कब ही इंडिया में आया और किस तरीके से वो पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, ये कहानी शुरू होती है। अगर हम बात करें तो ये 1949 में जब पार्ले थी तो पार्ले ने इंडिया में ग्लूकोकोला नाम की कोल्ड ड्रिंक बनानी शुरू की। तब कोका कोला इंडिया में नहीं थी, पर कोका कोला को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पार्ले जो इंडियन ब्रांड था, इंडियन कंपनी थी, उसने कोला वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, तो कोर्ट में चले गए। वो डर था, केस करने के फिराक में थी कौन, कोको कोला। तो पार्ले ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, फिर नाम फिर चेंज किया तो नाम रख दिया पार्ले कोला। फिर भी ये भी चीज कोका कोला को डाइजेस्ट नहीं हुई, पर इस टाइम पे अभी भी कोका कोला थी वो इंडियन मार्केट में नहीं थी, वो आना चाहते थी, वो इन्वेट करना चाहते थी, एंट्री करना चाहते थी इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट को वो कैप्चर करना चाहती थी। देखो, कोका कोला की और पेप्सी की, ये दो ब्रांड्स हमें मेन मिलते हैं, पर कोका कोला की स्ट्रेटजी हमेशा रहती है कि जहां भी जाती है पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, जो एग्जिस्टिंग वहां के ब्रांड्स होंगे उनको भी वो अक्वायर कर लेते हैं, मेन स्ट्रेटजी, जो बेसिक स्ट्रेटजी इनकी रहती है। तो उस टाइम पे पार्ले ने गोल्ड स्पॉट नाम की, गोल्ड स्पॉट नाम की कोल्ड ड्रिंक्स बनानी शुरू की ऑरेंज फ्लेवर में, जो बहुत ज्यादा बिकी। फिर कोका कोला अभी इंडियन मार्केट में नहीं आया हुआ था, पर फिर पार्ले ने क्या किया, डर के सोचा कि नहीं चलो कोला वर्ड हटा देते हैं, तो क्या शुरू कर दिया उन्होंने, गोल्ड स्पॉट नाम से कोल्ड ड्रिंक बेचनी शुरू की और बहुत ज्यादा बिकनी शुरू हुई। फिर 1956 की बात है, 1956 में क्या हुआ, पेप्सी आ गई, ठीक है, पेप्सी आई इंडियन मार्केट में आई, पर इंडियन मार्केट में वो 1961 में चली गई, क्योंकि लोगों ने उसे इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि तब लोगों का फोकस ज़्यादा अपने घर की चीज़ों को यूज़ करने में था, सिंपल पानी पीने में था, गन्ने का रस पीने में, जूस पीने में था, ठीक है, हम कह सकते हैं लस्सी वगैरह पीने में था, इतना ज़्यादा वो लोगों को अपनी तरफ पेप्सी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, ठीक है। तो 1961 में पेप्सी फिर दोबारा चली गई। अब इस टाइम पे कौन सा ब्रांड चल रहा था, पार्ले, पार्ले छाया हुआ था यहाँ पे, पर अभी भी कोक पीछे लगा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोक आई इंडियन मार्केट में, कोका कोला। अब कोका कोला चाहती थी कि वो सारे का सारा मार्केट कैप्चर कर पाए, आ गई। पर इस टाइम पे 1977 की बात है, 1977 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक स्वदेशी मूवमेंट चला था, उसमें क्या था कि हम जितने भी इंडियन ब्रांड्स थे उनको इनकरेज करना था, उनको इनकरेज करने के लिए कि अपने जो इंडियन लोकल ब्रांड्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। पर हुआ क्या, जो भी बाहर के ब्रांड्स आना चाहते थे उनको ये शर्त थी कि उनको इंडियन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी,
पर ये कोक को एक्सेप्ट नहीं था। कोक अपना फॉर्मूला भी शेयर नहीं करना चाहता था, सीक्रेट फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड था, जो स्टैंडर्डाइजेशन। अब वो चाहता था कि मैं पार्ले को पूरे का पूरा कैप्चर करूं, पर वो उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, दोबारा कोक इंडियन मार्केट से चली गई। फिर उसी दौरान पार्ले के अलग अलग ब्रांड्स आ गए, लोकल, जो लोकल ब्रांड्स थे, इसमें से सबसे ज्यादा फेमस था थम्स अप आ गया। फिर उसके बाद इसका लिम्का था, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, ये इस तरीके के कुछ नाम थे जो आपने सुने होंगे शायद। तो वो बहुत ज्यादा, गोल्ड स्पॉट तो वैसे ही चल रहा था, ये काफी ज्यादा फेमस थे, तो ये काफी ज्यादा बिकने शुरू हो गए। फिर हुआ क्या, उसके बाद 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, तो फिर क्या हुआ, दोबारा 1993 में कोक इंडियन मार्केट में आ गई। और इंडियन मार्केट में आते ही उसने क्या किया, 400 करोड़ में पार्ले को कैप्चर कर लिया, ले लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया। पर अब यहां पे कहीं ना कहीं कोक ने गलती भी की। उसने क्या किया, ये ब्रांड्स बंद कर दिए, अपनी सिर्फ कोक को ज्यादा प्रमोट किया। पर उस टाइम पे थम्स अप की जो पहचान थी, लोगों की इमेज थी, जो ब्रांड इमेज थी, प्रोडक्ट की इमेज थी, वो अभी भी लोगों के दिमाग में थी। तो कोक ने क्या किया, उस टाइम पे थम्स अप को बंद कर दिया, थम्स अप कैंसल, सिर्फ और सिर्फ क्या बिकनी थी, कोक। पर लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। फिर दोबारा क्या किया, कोक ने खुद थम्स अप को रीलॉन्च किया। क्या किया, थम्स अप को रीलॉन्च किया। अब ये क्या थी, जो बंद पड़ी हुई कंपनीज, यही तो कह रही है मेगा मार्केटिंग कहती है, जो क्लोज मार्केट थी इंडियन मार्केट में बंद हो चुकी थी, दोबारा आती है और दोबारा क्या करती है, राज करती है। तो दो ही कंपनीज थी उस टाइम पे, दो कंपनीज थी, एक थी पेप्सी और एक थी कोका कोला। दोनों ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया और पार्ले तो वहां से अब बेचारा चला गया। हालांकि कोक का सिर्फ और सिर्फ फोकस किस में था, कोल्ड ड्रिंक्स में था, और जो पेप्सी का था वो और भी प्रोडक्ट्स बना रही थी पेप्सिको के नाम पे, जैसे हम कह सकते हैं जूसेस भी बना रही है, ट्रॉपिकाना वगैरह ना, जो जूसेस वगैरह होते हैं, हम कह सकते हैं जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं, उस पर भी उसने फोकस किया। तो एक और चीज थी मेन, तो यहां पर क्या हुआ, कोक ने इस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर दिया। और दो ही ब्रांड्स हमें नजर आते हैं, एक आती है पेप्सी, एक आती है कोका कोला। दोनों की स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा फर्क है, ये कस्टमाइजेशन कर देती है, मतलब लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है ना, कहीं पे ज्यादा मीठा, अगर लोग ज्यादा मीठा प्रेफर करते हैं जहां पे इंडियन मार्केट में, तो वो थोड़ी सी हमें नजर आते हैं कि मीठी चीज, मीठा जो पेप्सी है थोड़ी सी मीठी नजर आती है ज्यादा, ठीक है। पर कोका कोला ने अपने फॉर्मूला में चेंज नहीं किया, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। कोक ने अपना फॉर्मूला नहीं चेंज किया, जो जैसा है जहीं पे कहीं पे भी चले जाओ सेम आपको वो कोक नजर आती है, ठीक है। उन्होंने इस अपनी जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो उनका जो मेन था मकसद था स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, वो उन्होंने उस स्ट्रेटजी पे ही फोकस किया, ठीक है। तो इस ये कुछ स्ट्रेटजीज के कारण जो इंडियन मार्केट को कोक और पेप्सी ने कैप्चर किया। और ये दोनों जो कंपनीज हैं, पेप्सी और कोका कोला, दोनों साथ में पैरेलल चलती हैं, ठीक है। दोनों की हम कह सकते हैं दोनों का मकसद ये है कि दोनों को कंपटीशन तो चलो दे रही है, पर वो दोनों को अपोज इतना ज्यादा नहीं करती, वो पैरेलल दोनों चलते हैं, ठीक है। हालांकि पीछे जब आता था तो एडवर्टीजमेंट में थोड़ी सी फाइट होती थी उनकी, जैसे वो कहते थे ठंडा मतलब कोका कोला, और पेप्सी में बोलते थे दिल मांगे मोर, मतलब इस तरीके से वो स्ट्रेटजीज खेलते थे, पर डायरेक्टली वो एक दूसरे को कम्पीट इतना ज़्यादा नहीं करते थे, मतलब दोनों आपस में सहमति के साथ हम कह सकते हैं, कोलेबोरेशन के साथ कह सकते हैं, वो मार्केट में हम कह सकते हैं मार्केट में चल रहे हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी किसके बारे में, मेगा मार्केटिंग में, जिसमें क्या होता है कि इस तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जो बंद पड़ी मार्केट है उसको हम रीओपन करते हैं। रीओपन करते हैं तो पूरी मार्केट में मार्केट को कैप्चर करते हैं और पूरा रूल करते हैं पूरी मार्केट पे। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने बात की कोका कोला और पेप्सी की, जिसमें किस तरीके से कोका कोला ने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया और जो इंडियन जो ब्रांड था पार्ले और उसको मार्केट से कैसे बाहर किया, ठीक है। तो कहीं कब जो 1977 में जो भी स्वदेशी मूवमेंट था जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे था, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने कोशिश की थी इंडियन मार्केट में एंटर करने की, वहां पे पार्टनरशिप नहीं की, ठीक है। कोक ने वहां पे पार्टनरशिप नहीं की। तो फिर बाद में जब एलपीजी लिबरलाइजेशन वगैरह हुई उसके बाद जो मार्केट में आया, मार्केट में आके पार्ले को एक्वायर कर लिया, 400 करोड़ में ले लिया, एक्वायर कर लिया और पार्ले को मार्केट से बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक मेगा मार्केटिंग पे, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम दोबारा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।